Bye. Good morning, everybody. Welcome to another daily observation video. Too many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. Low fuel. Yahi dikkat hai KTM. Hello, uncle. No helmet again. Topa laga lo. Kapda mat bach. Chale na tau. टोपा क्या होता? टोपा जाड़े में लगाया जाता। जो आदमी दिमाग से पैदल, बुद्धि से गधा, अकल से बैल होता है वो को हम कहते टोपा। ये है टोपा आदमी। I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. My city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio. Guys, मैंने अपनी RC में कल ही एक नया modification किया है. अगर आप देख सको, मैंने इसमें KTM 2017 model का clutch lever लगाया है, जो कि adjustable होता. क्योंकि अगर आप जान हो 2014-15 KTM में स्लिपर क्लच नहीं था, 16 में स्लिपर क्लच आया. हेलो डॉगीज, ये कुत्ते बहुत पंगा लेते हैं. आओ 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 आओ. आ जा. कुत्ते रोज पीछे पड़ जाते हैं, रोक लो तो दुम दबा के भाग जाते हैं. हाँ, तो मैं कहा था 2016 में KTM में स्लिपर क्लच आया और 2017 में एडजस्टेबल क्लच लीवर्स भी आ गए. तो गाइस, आप लोग अगर सीखना चाहते हो क्लच लीवर कैसे लगता है, ये खुद लगाना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखना. मैं इसका DIY वीडियो आपको बिल्कुल बना के दिखाऊंगा, वरना आप अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पर जाके परचेस कर सकते हो. ये अराउंड 400 रुपीज़ का पड़ता है और 100 रुपीज़ में वो लोग आपको लगा के दे देंगे, लेकिन 100 रुपीज़ का कोई काम नहीं है. खुद भी लगा सकते हो, 5 मिनट्स लगते हैं इसको लगाने में. और मैंने ब्रेक लीवर स्टॉक ही रखा, क्योंकि इसके दो रीज़न हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा ब्रेक लीवर सही है, मुझे इस पर एडजस्टेबिलिटी नहीं चाहिए. दूसरी, ब्रेक लीवर पता नहीं क्यों, फॉर अननोन रीज़न बहुत महंगा है. मैंने इसका प्राइस पता किया तो ब्रेक लीवर 1800 रुपये का. हाँ गाइस, सही सुना, 1800 रुपये फ्रंट ब्रेक लीवर के. क्लच लीवर 400 रुपये और ब्रेक लीवर 1800 रुपये. पता नहीं क्यों डिफरेंस है इतना. ये है टोपा. तो इसीलिए मैंने ब्रेक लीवर चेंज नहीं किया. इडियट्स को गाइस चेक करते रहना कितना. ये है टोपा आदमी. इतने हो गए, आज मैंने मिस कर दिया थोड़ा. तो अगर आपको क्लच लेवर का DIY देखना है तो ज़रूर कमेंट करना. एडजस्टेबल क्लच लेवर का फ़ायदा ये गाइस, थोड़ा सा क्लच जो है सॉफ्ट हो जाता है उससे, एडजस्टेबिलिटी के साथ साथ, क्योंकि मैंने पहले भी लगाए हुए थे पर वो. ये है टोपा आदमी.
चाइनीज़ वर्जन वाले थे, मॉक्सी, अगर आप जानते हो मॉक्सी ब्रांड, उसके थे। वो इतने रिलायबल नहीं थे, मैंने 6-7 महीने यूज़ किए, कभी कभी उनके जो लॉक था वो डिसइंगेज हो जाता था, और इस वजह से मैंने उसको हटा दिया। कुछ दिन स्टॉक पे ही चलाया, फिर मेरा फ्रेंड विशाल फ्रॉम वीटेक ब्लॉग, लिंक ऊपर यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, मैंने उसको बोला भाई मुझे ला के देना जब तुम आओ मेरी साइड, तो कुछ दिन पहले ही वो मुझे दे के गया और मैंने इसको कल चेंज कर दिया। तो अगर इसका DIY वीडियो आपको चाहिए गाइस, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहो, सपोर्ट करते रहो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। Take care, guys, and bye-bye. Stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this. Telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stabbing my...